मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ऑल मटेरियल्स डेट आर मेड बाय ह्यूमंस आर नोन एज सिंथेटिक मटेरियल्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, हाउ दे आर मेड एंड देयर यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर वेरियस आस्पेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। Introduction of synthetic fibers. Synthetic fibers are also known as man-made fibers. These fibers are made up of small units that chemically join together to form a long structure. These structures is called as polymer. These polymers are called as synthetic fibers. Types of synthetic fiber. Basically, there are 3 types of synthetic fibers: rayon, nylon, polyester and acrylic. We are going to discuss them one by one. First, we discuss about rayon. Rayon is obtained from silk. Although rayon is obtained from natural sources, wood pulp, yet it is a man-made fiber. रेयन को हम नेचुरल सोर्स वुड पल्प से बनाते हैं, लेकिन ये तब भी एक मैन मेड फाइबर है क्योंकि ये प्रोसेस किया जाता है लेबोरेटरी में। ये सिल्क से काफ़ी सस्ता होता है और इसके काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। रेयन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन को और कॉटन को मिक्स करके एक इसका पॉलिस्टर टाइप मटेरियल बनाया जाता है जो कारपेट्स और बेडशीट्स बनाने में यूज़ होता है। ये सिल्क से काफ़ी कम कॉस्टली होता है और काफ़ी सारे कलर्स में इसको बनाया जा सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इट वॉज फर्स्ट केमिकली मेड इन 1931 विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रिसोर्स। ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जिसे बनाने के लिए किसी भी नेचुरल रिसोर्स का यूज़ नहीं हुआ था और इट वॉज द फर्स्ट कम्प्लीटली आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन फाइबर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड आर्सेनिक। द वूल ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर इज द क्लोथ्स मेड फ्रॉम आर्सेनिक आर रिलेटिवली चीप। जो हम स्वेटर्स विंटर्स में यूज़ करते हैं, शॉल्स, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, वो हमें ऐसा लगता है देखने में अपीयर होते हैं जैसे कि वो नेचुरल वूल से बने हुए होते हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक इज़ द सिंथेटिक फाइबर डेट रिजेंबल्स लाइक नेचुरल वूल। बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ आर्सेनिक, इट इज़ क्वाइट वार्म एंड लेस एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन ऑफ वूल। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू मेकिंग हॉट क्लोथ्स। Polyester and acrylic, they are available in variety of colors. Synthetic fibers are more durable, affordable, which makes them more popular than natural fibers. जैसा कि हमने देखा कि polyester और acrylic होते हैं, ये काफ़ी सारे colors और varieties में मिल सकते हैं, आपको available होते हैं और ये ज़्यादा durable होते हैं। इनकी life span जो होता है वो natural fibers के comparison में ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा wear and tear bear कर सकते हैं in comparison to that of नेचुरल फाइबर्स, इसीलिए इनका काफ़ी वाइड यूज़ देखा जाता है इन कंपैरिजन विद ऑफ नेचुरल फाइबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। दे ड्राई क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, ये हैं इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहले आता है इनका, लेस एक्सपेंसिव होना, इजीली अवेलेबल होना, इजी टू मेंटेन है, काफ़ी सारे कलर वैरायटी में मिल जाते हैं आपको और इजीली ड्राई होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरेबल होते हैं इन कंपैरिजन डेट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर।
Also, plastic do not have the same type of arrangement of unit. In some, it is linear, where in other, it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shape and size. Now, we are going to discuss about plastic. The most and most important type of synthetic fiber is plastic. Plastic is a polymer. These polymers are found in various type of arrangements. In some arrangement, these are arranged in linear form, as shown in figure A. These are in linear form. In figure B, these are cross-linked polymers. Plastic materials are available in all shape and size. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं अपने चारों तरफ प्लास्टिक मटेरियल्स काफ़ी सारी वैरायटी में फॉर्म में मिलते हैं. हमारे फ़ोन से लेके कार, एरोप्लेन, ईच एंड एवरीथिंग देयर वॉज एन सम प्लास्टिक यूज्ड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक प्लास्टिक वाइडली यूज्ड इज डैट द नेचर ऑफ इज ईजीली मोल्डेबल. इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो इनको सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ करने में हेल्प करती है वो इनकी मोल्डेबिलिटी. इन्हें किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है. प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, रिकलर्ड हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, इन्हें रोल किया जा सकता है किसी भी फॉर्म में, वायर्स की फॉर्म में, शीट्स की फॉर्म में, यूटेंसिल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप इन्हें बना सकते हैं. When we add hot water to a plastic, it gets deformed. Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. जो plastics heat करने पर bend हो जाती हैं, अपनी shape को change कर लेती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Thermostatic plastic, thermoplastics. ठीक है. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. Polythene and PVC किसके example हैं? Thermoplastics के. On the other hand, there are some plastic which cannot be molded once cannot be softened by heating. These are called as thermosetting plastics. Two examples are bakelite and melamine. जो plastics heat करने पर किसी और form में mold नहीं किए जा सकते, उन्हें soft नहीं किया जा सकता, आप उन्हें deform नहीं कर सकते. एक बार अगर आपने उन्हें कोई shape दे दी तो आप उन्हें heat करने से किसी और shape में form नहीं कर सकते. ऐसी plastics को हम क्या कहते हैं? Thermosetting plastics. इसके basic examples हैं जो हम अपनी daily life में देखते हैं, वो है bakelite और melamine. आप सभी students ने देखा होगा जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेज होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, वो बेकेलाइट से बने हुए होते हैं. मेलामाइन की कोटिंग हमारे कुकिंग यूटेंसल्स पे होती है. ठीक है. प्लास्टिक्स बेकेलाइट. बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इज इट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसल्स. बेकेलाइट क्या होता है? एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है. ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है. यही प्रॉपर्टी इसको एक वेरी यूजफुल मटेरियल बनाती है जो कि वाइडली यूज़ होती है हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस बनाने में, और जो हम कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं उनके हैंडल के लिए, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये ईजिली हीटअप नहीं होता. Melamine. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire. Melamine की एक बहुत versatile property है. ये heat resistant होती हैं. ये काफ़ी high temperature को resist कर सकती हैं. ये property इन्हें other plastics से अलग बनाती है. इसी वजह से इस मेलामाइन का काफ़ी वाइडली यूज़ होता है. मेलामाइन को हम फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर्स में, फैब्रिक्स में और फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक्स बनाने में यूज़ करते हैं. प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस. बींग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल. प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट टू. द लिस्ट इज एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा.